हम लोग गांव से आए थे तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग यहीं पर इसी कलभेट के अंदर में रहते थे। हेलो दोस्तों, हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल रंगीला फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप तमाम भाई बहनों का कमेंट आ रहा था कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं और कैसा जगह पे रहते हैं और जंगल किनारे हम लोग क्यों आए हुए हैं, जंगल किनारे क्यों हम लोग अपना बसेरा बनाए। तो तमाम प्रश्नों का उत्तर जो है आज हम लोग इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम लोग जो है पहले अपना घर दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग अभी बसेरा बनाए हुए हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो चलिए जी, घर दिखाते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को किचन का दर्शन करवा रहे हैं। ये किचन तो यहाँ खाना तो नहीं बनाते हैं, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से गैस मिला हुआ है लेकिन अभी गैस है नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी पानी उनी रखते हैं, इसमें चावल वगैरह सारा चीज़ रहता है। तो इसमें अभी खाना नहीं बनाते हैं लेकिन सारा सामान जो है यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ऊपर में भी सामान उमान दिखाई दे रहा है आपको, देखे में यहाँ पर सामान उमान रखते हैं। देखिए सारा सामान लोग देख रहे हैं। देखिए ये हमारा जो है किचन हुआ। अब चलते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग सोते हैं, वो कमरा दिखा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यही कमरा में हम लोग जो है सोते हैं, हाँ इसी में रहते हैं। देखिए इसमें रहते हैं। ये गोदरेज है, ये फ्रिज है, सेकेंड हैंड फ्रिज एक ठो खरीदे हुए थे। देखिए यही हमारा जो है सोने का कमरा है। हैं कैची बाबू, देखिए रंगीला बाबू भी जो है सोया हुआ था अभी, लेकिन सो के उठ गया है। देखिए फ्रिज है, फ्रिज है बाबू, हाँ फ्रिज है बेटा। देखिए और देखिए खाना जो है, देखिए उस चूल्हा में जो है, इसी चूल्हा में हम लोग खाना बनाते हैं। देखिए यही चूल्हा है, यहीं पर खाना बनाते हैं। देखिए देखिए एक ठो बकरी भी है, हाँ बकरी है बेटा, हाँ हमारा बकरी है। देखिए एक ठो बकरी भी रखे हुए हैं हम लोग। देखिए छोटा मोटा एक ठो हम लोग जो है दुकान भी रखे हुए हैं, लेकिन उतना तो नहीं चलता है क्योंकि हम लोग उतना सामान नहीं रख पाते हैं। देखिए ये सब सामान है, दुकान में छोटा मोटा किए हुए हैं। चलो बाबू चलो इधर आओ, आओ आओ। छोड़ दो, देखिए ये सब है। और ये देखिए ये तुलसी पीढ़ा है, ये तुलसी माता का ये मंदिर है, ये तुलसी तुलसी पीढ़ा, हाँ इसमें हम लोग मंगलवार को या इसे भी दिन में मतलब नहा धोवा के इसमें पानी ढारते हैं इसमें। और ये महावीर बजरंग बली का ये झंडा है। और ये सब जो आप देख रहे हैं, देखिए छोटा सा इधर आंगन के बगल मतलब अपना जो घर है उसके बगल में आंगन में ही ये सब्जी वगैरह लगाए हुए हैं, बोदी वगैरह है, बैंगन है, मिर्चा है। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ओल वगैरह, हल्दी, नींबू, आम, पपीता, ये सब बहुत जो है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जो है हम लोग इस छोटा सा आंगन में जो है हम लोग लगाए हैं। तो देखिए लोग देख रहे होंगे, अमरूद भी है, मतलब बहुत की जो इतना छोटा सा आंगन में जो है हम लोग बहुत कुछ इसमें लगाए हैं। अपना खाने क्या क्या हुआ बाबू? अच्छा वहाँ पपीता फला हुआ है। अच्छा देखिए रंगीला बाबू जो है पपीता कहाँ देख रहा है, देखिए पेड़ में एक पपीता भी फरा हुआ है पूरा, देखिए पपीता फरा हुआ दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों यही देखिए हमारा घर के बगल में जो आंगन, घर के आगे साइड में आंगन है, वही आप लोगों को दिखा रहे हैं, वहीं पर ये सारा चीज़ लगाए हुए हैं। तो दोस्त क्या जी, हाँ वो तो ये हो जाएगा बेटा, हाँ उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वही हो जाएगा। बहुत कुछ इसमें सब्जी लगाए हुए हैं बाबू, हाँ
तो दोस्तों ये दिखाए अपना घर, घर के बगल में जो आंगन है घर के आगे साइड में, वहाँ पर जो सब्जी लगाए वो चीज़ दिखाए। अब आप लोग को एक बहुत ही अजूबा चीज़ दिखाने वाले हैं, जो कि मतलब बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाए हुए हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए वो अजूबा चीज़ दिखाने के लिए आ गए हैं हम लोग। देखिए ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये कलभेट है। कलभेट में हम लोग लहसुन प्याज आलू वगैरह सारा चीज कुछ भी सामान यहाँ पर रखते हैं, तो ये वहाँ पर सड़ता नहीं है, इसका ये खासियत है। और ये हम लोग बनाए कैसे, तो देखिए पीछे साइड जो है आप लोग देख रहे हैं, ओ देखिए वो ये है, ईटा से उसको टेक दिए हैं और उसमें प्लास्टर भी कर दिए हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं टेकते तो उधर ऊपर जो जो पहाड़ है, पहाड़ का सारा जो है इसमें पानी आ जाता है, तो इसीलिए जो है इसको पानी को टेक दिया है यहाँ पर। और देखिए ये इसको अभी, पहले जो है हम लोग पर जब हम लोग गांव से आए थे तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग यहीं पर इसी कलभेट के अंदर में रहते थे। ये इसमें पटरा दे दिए थे, पटरा के ऊपर में पूरा पुआल उवाल बिछा दिए और एक लेदरा और एक कंबल के साथ में हम लोग यहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं पर किए हुए हैं। हाँ वहाँ आलू भी रखते थे बेटा। तो देखिए यही इस कमरा है, रहते थे तो पहले यहीं पर, देखिए पहले पत्थर उत्थर इस तरह का नहीं दिया हुआ था, बाद में इसको दिए हुए हैं। देखिए अभी लकड़ी सब रखते हैं। मौसम का दिन है, हाँ हाँ, और इसमें बरसात के सीजन में ये है कि ये जो है जरकने लगता है, ये जमीन के अंदर से इसमें पानी निकलने लगता है, इसीलिए इसको जो है पत्थर दे दिए हैं अभी। तो अभी इसको फिर इसको बनाएंगे, उसके बाद में फिर रहेंगे। देखिए यही रूम है, यही घर के बाहर में जो है रहते हैं। और आगे साइड में जो देख रहे हैं ये झोपड़ी, देखिए इस झोपड़ी में पहले प्लास्टिक ऊपर में डाला हुआ था, लेकिन जो है हवा और पानी आया तो ये सब उड़ाड़ गया, एकदम ख़त्म हो गया ये। तो अभी इसको फिर से इसको बनाना है। और देखिए उधर से जो आपको जो जंगल दिखाई दे रहा है, वहीं से जो सारा पानी जो है वो कलभेट के अंदर में आता था, तो उसको आप टेक दिया, अब उसमें पानी नहीं आता है, सारा जो पानी अब उधर जो है साइड में बह के निकल जाता है। तो यही सब, यही अजूबा चीज़ आप लोग को दिखाने वाले थे, दिखा दिए, कमरा भी दिखा दिए, घर भी दिखा दिए। यही जंगल के किनारे हम लोग का अपना घर है, देखिए ये सारा चीज़ है। तो आप लोग सारा चीज़ को तो आप लोग को दिखा ही दिए हैं, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग जंगल किनारे क्यों आके रहते हैं। तो दोस्तों आप तमाम भाई बहनों का जो है इसमें कमेंट आता था कि हम लोग जंगल किनारे क्यों रहते हैं, तो उसका जो है हम लोग का एक ही कारण है कि हम लोग जो है गांव से उठकर जो हम लोग जंगल किनारे बसे हुए हैं, तो हम लोग का एक ही हम लोग का मकसद था, एक ही हम लोग का कारण है कि हम लोग शांति चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि गांव का माहौल जो है बहुत ही ख़राब होता है, बच्चा जो है अच्छा से परवरिश नहीं हो पाता है, वो लोग जो है उस सबको जो है मानसिक विकास नहीं हो पाता है, शुद्ध वातावरण नहीं मिलता है, जिसके कारण से हम लोग जो है गांव से उठकर हम लोग जंगल किनारे में ही हम लोग जो है अपना बसेरा बनाए और जो है हम लोग अपना पूरे फैमिली जो है हम लोग इसमें गुजार रहे हैं। तो हम लोग शांति से रहने के लिए जो है हम लोग आए हुए हैं, बस यही कारण है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि मतलब कुछ कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को बस शांति चाहिए, भले ही हम लोग अच्छा लगेगा, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और दूसरा कमेंट आप लोग को जो आता था कि आप लोग का राज्य कहाँ है, कौन सा जिला से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है झारखंड राज्य से बिलोंग करते हैं, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से उठ के आ करके जो हम लोग जंगल किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो तमाम भाई बहनों से आग्रह है कि आप लोग इस ब्लॉग को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ये चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का जो है ब्लॉग आपके नोटिफिकेशन जो है आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।